अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि रेडियाना कंप्यूटर पर जो है आप सिस्टम वाइज और मुकम्मल जो है चेकअप कैसे कर सकते हैं कि किस सिस्टम में कौन सी बीमारी है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास सैंपल होना चाहिए। सैंपल मैंने ये बाल हैं ये मैंने रख दिए इनपुट प्लेट में। ठीक है, अब जो है पेंडोलम के साथ आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है, क्लॉक वाइज घूम रहा है, कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब आपने चेक करना है इस पे ऊपर जो है ना नॉब्स लगी हुई है सिस्टम में, ये सिस्टम वाइज जो है ना चेक करने के लिए इसमें सारे सिस्टम दिए हुए हैं। ठीक है, मैं सिस्टम वाइज चेक करूँगा। साइकोलॉजिकल ए एंटी क्लॉक घूम रहे हैं। ठीक है, नंबर टू स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम का मसला। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। नंबर चार नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का मसला है। नंबर फाइव सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम का मसला है। नंबर छः ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, एंटी क्लॉक ऑन रहे हैं। नंबर सेवन लिम्फैटिक सिस्टम, नंबर एट डाइजेस्टिव, एलिमेंटरी सिस्टम, सेंसरी, अब जो है जो जो सिस्टम आए हैं तीन चार सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे किस सिस्टम में जो है कितने परसेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, जहाँ पे अब ये मस्कुलर सिस्टम है नंबर थ्री, अब इसमें देखते हैं कितने परसेंट जो है ना परसेंटेज की नॉब ये लगी हुई है। ठीक है, 10%, 20%, 30%, 30% जो है ना इनको मस्कुलर सिस्टम की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम चेक करते हैं, नर्वस सिस्टम में कितने परसेंट प्रॉब्लम है। 10%, 20%, 20% प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है 60% प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका मतलब है इनको जो भी मसला है वो जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में ही है। ठीक है, बाकी सिस्टम में थोड़ा 10-20% मतलब ज़्यादा जो परसेंटेज आ रही है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आ रही है। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ये है। ठीक है, अब इसमें दो तरीके हैं इसको चेक करने के कि इनको जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कार्डियक सिस्टम है उसमें क्या मसला आ रहा है।
एक तो ये आप पेन रॉड लगा के जो है इसके साथ रख के और पेंडोलम के साथ तो आपको यस नो मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप रेट लगा के, ठीक है। अब दिल का दर्द नंबर वन, इसको मैं चेक करता हूँ, डिजिटल पे मैं कर रहा हूँ। ये इसका रेट लगाया मैंने और पेंडोलम के साथ मैं यस नो ले लूँगा। दिल का दर्द एंटी क्लॉक, मतलब दिल का दर्द नहीं है कुछ और, वॉल्व वॉल्व का मसला नहीं है, लो ब्लड प्रेशर 70-36, लो ब्लड प्रेशर ये भी मसला नहीं है, दिल का बढ़ना 40-45, दिल की धड़कन 70, कल्बी दमा 89, एर्टिक वाल 89, एर्टिक जो वाल्व है उसका मसला आ रहा है। अब ये चेक करता हूँ कितने परसेंट ये मसला है, ठीक है। इसके लिए मैं जो है यहाँ पे चालीस 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 50% जो है ना इनको मसला आ रहा है, ठीक है, वॉल्व का, ठीक है। अब ये जो है मैं हाई ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, 40-90-46 ये रेट लगाया है हाई ब्लड प्रेशर का भी मसला है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल 98-72-95, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का जो चेकअप है वो कर रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल की भी ज़्यादती है, ठीक है। अब जो है आपको पता चल गया है इनको ज़्यादा मसला जो इनके दिल के वाल का मसला है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब इनको जो दिल के वाल का मसला, इसकी मेडिसिन आपने कैसे निकालनी है, आपने जो है ओवर फंक्शन की जो नॉब है उसको करना है 70-80% पे, ठीक है। तो इसमें जो इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन, अब आप डॉक्टर ने आपको पता ही है कौन कौन सी मेडिसिन है, आपका दिल की जो मेडिसिन में होम्योपैथिक इस्तेमाल होने वाली है वो सारी मेडिसिन आप अपने लिस्ट सामने रखें, ठीक है, या स्कैनर की मदद से जो है आप उस मेडिसिन के रेट पे रखते रहें, आपको जो मेडिसिन होगी इस पर काम करेगी, जो इस मरीज़ को ठीक करेगी वो आपकी मेडिसिन निकल आएगी। फिर आप जो है उसकी इस नॉब की मदद से भी चेक कर सकते हैं कि पोटेंसी कौन सी है, और डिजिटल से भी चेक कर सकते हैं पोटेंसी कौन सी है। इस तरह जो है आप पोटेंसी जो है निकाल सकते हैं, मेडिसिन निकाल सकते हैं और इस तरह आप चेकअप कर सकते हैं। अब मैंने सबसे पहले चेक किया था, मसला ज़्यादा सबसे मसला आ रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम में, मैंने बाकी सिस्टम को नहीं छेड़ा क्योंकि पता चल गया टाइम इस तरह बचत है कि किस सिस्टम में प्रॉब्लम है मरीज़ को, वो निकाल के फिर मैंने चेक कर लिया इस सिस्टम में होने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं वो चेक किया कि दिल के वाल का मसला है इस मरीज़ को, ठीक है। तो इस तरह आप अपने टाइम को बचा के और इस तरह जो मेन मेन बीमारियाँ हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, तो उस पे जो है ना आप बड़ी आसानी से जो है टाइम भी आपका बच जाएगा और आप चेकअप भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये तरीका था, इंशाल्लाह मज़ीद जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अब भी आप कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर रेडियानक लेना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।